आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। वहीं अगर बात यूपी की तो यहां 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, तीसरे चरण का कल होना है। साथ ही साथ अन्य चरणों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। वहीं दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह हाईटेक प्रचार रथ से रवाना हुए। संजय सिंह का रथ लखनऊ 10-90-84 से कई जिलों में अब प्रचार करेंगे। रथ के जरिए संजय सिंह आप प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। इस दौरान संजय सिंह ने प्राइम टीवी की टीम से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए 21 तारीख को दो दिन के प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं। इसी को लेके आज लखनऊ में अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स हैं और जिस प्रकार की नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ भी लोगों को जगाने का काम करेंगे। चरण का मतदान है, क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी की? देखिए आम आदमी पार्टी अपने मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रही है। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जनता तय करे उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति धर्म के नाम पर होगा या मुद्दों के नाम पर होगा। हम अपनी बात लोगों के बीच में कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है ये तय है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के 10-90-84 पे, जहां आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हाईटेक बस है, चुनावी रथ है, उसको लॉन्च किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 3 चरणों के तीसरे चरण का मतदान कल होना है और बाकी के जो चरण है उसमें ये बस जाएगी और जनाधार को पैदा करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास को करेगी और जो भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनकी विधानसभाओं में जाएगी और उनके लिए समर्थन इकट्ठा करेगी। कैमरामैन रणधीर के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, अब तीसरे चरण का मतदान कल होगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से एक हाईटेक बस चुनावी सभा जिसपे होगी उसका आज उद्घाटन किया जा रहा है। तो वहीं हमारे साथ राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, इस बस से आप क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को? जो हमारी गारंटी है, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, वो जनता तक पहुंचाएंगे। फ्री बिजली, पुराने बिजली के बकाया माफ, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, जो बुनियादी जरूरतें हैं, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री। एक काम तो ये है कि जो हम अपनी गारंटी और हम अपनी योजनाएं लोगों तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह है कि 5 साल तक जो शासन रहा आदित्यनाथ जी का, जिसने उत्तर प्रदेश की जनता को दुखी किया, बेरोजगारों को पिटवाया, शिक्षा मित्र महिलाओं को पिटवाया, किसानों को पिटवाया, हर वर्ग को इन्होंने दुखी किया, चाहे वो दलित हो चाहे वो पिछड़ा हो। तो नफरत की बुनियाद पे उत्तर प्रदेश को नहीं बनने देंगे, ये भी संकल्प लेके हम लोग निकले हैं। आज पूरे चुनाव को वो 80-20 पे लड़ने की बात कर रहे हैं आदित्यनाथ जी। हम कह रहे हैं गरीब बच्चों की फीस पे बात करो ना, 80-20 करके आप समाज को बांटने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आदित्यनाथ जी से, जो नदी के घाट पर लाशें थी 80 में थी 20 में थी, जो नौजवान प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक पीटे गए वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? पूछिए और सवाल कीजिए। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, वो किस में थे, 80 में या 20 में? वो हाथरस की गरीब बेटी जो रात में 2 बजे जला दी। तो ये हम अपना मैसेज, अपना संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। बात करें तो लगभग 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम का घोषणा कर चुके हैं, सभी अपना दमखम लगा रहे हैं, कितनी सीटें निकलती हुई दिख रही हैं? देखिए इसका मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, पहले दिन से ही कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजनीति को सुधारने की जिम्मेदारी जनता की भी है। हमने अपना काम किया, अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, अच्छे मुद्दे दिए हैं, अब लोगों के ऊपर है वो कितने वोट और कितना समर्थन हमें देते हैं। अच्छा, पहले चरण में जो दिल्ली से सटे जिले हैं वहाँ क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी? देखिए हम दिल्ली के आसपास अच्छी स्थिति थी, कहीं कमजोर हैं कहीं मजबूत हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हर जगह लोगों ने हमारे मुद्दों को सराहा, हमारे दिल्ली मॉडल को सराहा, हमारी योजनाओं को सराहा और ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है।
तो हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में हम शिक्षा के मॉडल को लेकर उतरे हैं और तमाम ऐसी जमीन से जुड़ी मुद्दों को लेकर उतरे हैं और जनता हमें पसंद करेगी। कैमरामैन रणधीर के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते प्रत्याशी लगातार प्रयासरत हैं। मोहनलालगंज से बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मोहनलालगंज के पटेल पार्क में अमरेश कुमार रावत द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। वहीं संबोधन केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया। इस दौरान प्राइम टीवी की टीम ने बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत से बातचीत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चलते आज लखनऊ में तमाम बड़े दिग्गज नेता आज लखनऊ में मौजूद हैं, जिसके चलते आज केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी यहां पर मौजूद थी, जो कि मोहनलालगंज से बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत हमारे साथ में मौजूद है। किस तरीके का कार्यक्रम रहा, सीधे बात करते हैं। तो अमरेश जी, आज ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार आपकी जनसभाएँ हो रही हैं और आप जगह जगह जनसभाएँ कर रहे हैं, पिछली बार आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए हुए थे, आज अनुप्रिया पटेल आई हैं, तो किस तरीके का समर्थन आपको मिला? हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल नौनिषाद पार्टी से संयुक्त प्रत्याशी के रूप में हम मोहनलालगंज विधानसभा में हैं, और इसलिए अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी आई हुई थी। अपना दल के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्य के लोगों को ये आदेश देने आई थी, कहने आई थी कि सब लोग उस तरीके से मेहनत करिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मेहनत करता है उससे बढ़ करके अपना दल के लोग मेहनत करके और इस विधानसभा में भारी अंतर से जीत दर्ज कराने का काम करेंगे, ये आह्वान करने बहन जी आई थी। जी, आपको जिस तरीके से लगता है कि पटेल समाज आज पटेल पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पटेल समाज के लोगों को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल ने आज यहाँ पर संबोधन किया है, तो आपको लगता है कि उसका आपको फायदा मिल पाएगा? पूरा फायदा मिलेगा। अपना दल के पटेल समाज के सभी लोग हमारे NDA की सरकार के समर्थन में हैं। कमल के फूल पे सभी लोग वोट मांग रहे हैं, वोट दिलाने का काम करेंगे। पूरा पटेल समाज साथ में है जी, और पटेल समाज के लिए आपकी तरफ से क्या रहेगा, इस क्षेत्र में किस तरीके के काम की मांग की गई है आपसे? इस क्षेत्र में जो भी अब तक विकास कार्य नहीं हुए हैं और वो केवल जो विधायक अभी तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुए और जो दूसरे लोग हुए सत्ता पक्ष के लोग, वो काम नहीं किया, लूट और भ्रष्टाचार में युक्त सरकारें रही हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से और 2022 तक जो रही, इस अंतर में भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना और हमारे प्रदेश में अमन चैन हुआ, गुंडेगर्दी खत्म हुई, दहशतगर्दी खत्म हुई, इसलिए संपूर्ण 176 मोहनलालगंज विधानसभा के लोग कमल और कमल के फूल पे के सहयोग में, समर्थन में वोट दे करके भारी से भारी अंतर से विजयी बनाने के लिए तन और मन से सभी वोटर लगे हुए हैं और बड़ा उत्साह है, जो आज़ादी से लेकर के अब तक की इस विधानसभा में कमल नहीं खिला, इस बार कमल खिलाने के लिए सभी वोटर्स लगे हुए हैं और खिलेगा कमल और बहुत अंतर से विपक्षियों की जमानतें जब्त होंगी, ये तय है जी। इस वक्त मोहनलालगंज से बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी अमरेश कुमार रावत जी हमारे साथ में मौजूद थे, जो पटेल पार्क में जिन्होंने जनसभा का आयोजन किया था और इस जनसभा का संबोधन करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल आई थी, जिन्होंने यहाँ पे पटेल समाज के लोगों से कमल को वोट देने की अपील की है। कैमरा पर्सन शुभम। बांदा में AIMIM व जन अधिकारी पार्टी की संयुक्त
रैली का आयोजन हुआ। बांदा जनपद की 4 विधानसभाओं में से 2 विधानसभाओं में बाबू सिंह कुशवाहा सद्दुद्दीन ओवैसी ने संयुक्त परिवर्तन जनसभा पार्टी की संयुक्त जनसभा की। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। वहीं प्रदेश सरकार और सपा बसपा पर ओवैसी ने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और अन्य देश के प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक गरीब और मुस्लिम लोगों के हित में जो काम करते हैं वह सब झूठी और बकवास है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायबरेली में जमकर गरजे। अमित शाह ने उचाहार विधानसभा क्षेत्र में सभा के बाद रायबरेली सदर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस को घेरने के अलावा बाहुबलियों को जेल के भीतर डालने का जिक्र किया। उन्होंने मुख्तार अंसारी, आजम खां, अतीक अहमद को जेल में डालने की बात कहते हुए कहा कि अगर भाजपा फिर से आई तो यह बाहर नहीं निकल सकेंगे। उत्तर प्रदेश में रविवार को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके चलते तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। इसके चलते सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में जनसभा की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी का कांड आजाद भारत में जलियांवाला बाग कांड की तरह हुआ, जिसमें किसानों को कुचल दिया गया। तिकुनिया हिंसा कांड को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। सद्दुद्दीन ओवैसी व जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा के साथ रायबरेली पहुंचे, जहां पहुंचने पर सद्दुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी व समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिम महिलाओं से कुछ ज्यादा ही प्रेम झलक रहा है। इसके अलावा ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर कहा, जब योगी पर हमला हुआ था तो संसद में रो रहे थे। लगातार दूसरे दिन भी भाजपा प्रत्याशी सुभाष पासी के वाहन पर हमला हुआ। सादात थाना क्षेत्र के इकरा गांव में प्रचार प्रसार के दौरान हमला हुआ। समाजवादी समर्थकों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। विधायक सुभाष पासी ने कहा कि कुछ कुर्ताधारी नेताओं ने किया हमला। वही जिस तरह से 2022 विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का माहौल चल रहा है, इसी के बीच समाजवादी समर्थकों पे गाड़ी तोड़फोड़ करने का इल्जाम लगाया गया है। विधायक सुभाष पासी ने कहा कि कुछ कुर्ताधारी नेताओं ने यह हमला किया है, तो सीधा सीधा विधायक ने कुर्ताधारी नेताओं का नाम लिया, उन पे निशाना साधा। बता दें कि यह हमला गांव में प्रचार प्रसार के दौरान हुआ था, सादात थाना क्षेत्र के इकरा गांव में हुआ था। लगातार दूसरे दिन भाजपा प्रत्याशी सुभाष पासी के वाहन पर हमला हुआ था। सदात गांव क्षेत्र के इकरा गांव में यह हमला हुआ था। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जिस तरह से नेता ने यह सुभाष जी ने यह ब्लेम लगाया है कि कुछ कुर्ताधारी नेता कर रहे, तो उसमें किन के नाम सामने आ रहे हैं, उनका इशारा किसकी तरफ है? पवन, आपको हमारी आवाज आ रही है? विधायक सुभाष पासी ने कुर्ताधारी नेताओं पर यह इल्जाम लगाया है, उन पर निशाना साधा है कि उन पर कुछ कुर्ताधारी नेताओं ने हमला किया, समाजवादी समर्थकों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। गाजियाबाद पुलिस प्रशासन एक तरफ जहां बड़े बड़े दावे करती है और कहती है कि प्रशासन पूरी तरह से चोरों पर शिकंजा बनाए हुए है, वह लगातार कहीं ना कहीं घटनाएं होती जा रही हैं। दरअसल गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 1 में चोरों ने रात के समय एक कार को चोरी कर लिया। वहीं पीड़ित का कहना है कि यूपी के चौकी पर मैं गाड़ी चोरी होने के संबंध में शिकायत प्रार्थना पत्र लेके गई, जहां पर कोई भी पुलिस प्रशासन का व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहीं चौकी में मौजूद सिपाही ने बताया कि कार चोरी की शिकायत कौशाम्बी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही पार्षद मनोज गोयल ने पीड़ित को पूरा आश्वासन दिया, लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई। एक्चुअली हमारी गाड़ी डेली ही खड़ी होती है नीचे, घर के नीचे, तो
रात को 11:30 बजे तक तो मैंने देख गाड़ी खड़ी हुई थी और सुबह करीब मैंने 7:45 बजे जब देखा तो गाड़ी नहीं मिली मुझे। फिर गाड़ी मैंने अपने 1.5 किलोमीटर के एरिया में जाकर देखा कि गाड़ी खड़ी हो, वहाँ गाड़ी मुझे नहीं मिली। उसके बाद फिर मैं चला गया पुलिस चौकी सेक्टर 1 में। सेक्टर 1 में गया तो मुझे पुलिस चौकी में कोई भी नहीं मिला, एक ही व्यक्ति मिला था। तो कहते भाई हम आप यहाँ पे आप जाइए कौशाम्बी थाने में, चौकी में कोई रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, अभी आप थाने जाइए। फिर वहाँ से मैं पैदल पैदल गया कौशाम्बी थाने। थाने में गया तो वहाँ पे वो कहते हुए आप थोड़ी देर रुकिए वेट कीजिए। फिर उसे कागज़ पहन लिया, मैंने अपनी कंप्लेंट लिखी FIR के लिए। तो कहते हैं भाई आप फोटो कॉपी करा के लाइए इनकी, तब देंगे। अब सुबह 7:45 बजे कहीं कहाँ फोटो कॉपी की दुकानें खुलती हैं। सुप्रीम कोर्ट के CA प्रदर्शनकारियों को और नोटिस कर्ताओं को मुआवजा नहीं देने के आदेश के बाद नोटिस का सामना कर रहे संभल के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिला है। संभल जनपद में रहने वाले फारूक जमाल के अलावा तमाम अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से NRC CM है, जिन लोगों पर भी एलिगेशन लगाए गए हैं उनको जो है वापस ले लिया जाए, जैसे कि सरकार ने आज कहा है। और जो लोग भी इस चीज़ में मतलब जो है तगोदो में लगे हुए थे, वो संविधान के अकॉर्डिंग था, संविधान के मुताबिक था कि बाबा का जो संविधान है उसके जो है अगेंस्ट में कोई ना जाए, जिस तरह से हमारी सरकार जा रही थी। अब उसने उन्होंने जो है ये सब चीज़ें वापस ले ली और हम खुश आमदीद कहते हैं सरकार। बेहतरीन आदेश है और हमने उस वक्त जो मेहनत की है उसका मेहनत का हमारा नतीजा है ये, और हमारी मेहनत का ही नतीजा है कि हम हाई कोर्ट में निष्पक्ष फैसला हुआ है हमारे फेवर में और ये बहुत अच्छा फैसला है। विधानसभा 2022 के चुनाव के मद्देनजर जैसे जैसे 6वें चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे गोरखपुर में भी VIP मूवमेंट बढ़ता जा रहा है और दिग्गजों का जमावड़ा भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह गोरखपुर के मीडिया सेंटर पहुंचे और उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, साथ ही समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। यदि आप 5 साल से पहले के समाचार पत्र देखें तो तब भी आपको भिन्न भिन्न उल्लेख और भिन्न भिन्न टिप्पणियों का संदर्भ उपलब्ध हो जाएगा। कहीं कहा जाता था ये माफिया सरकार है, कहीं कहा जाता था ये गुंडा सरकार है, कहीं कहा जाता था ये अवैध भूमि कब्जा करने वाली सरकार है, कहीं कहा जाता था तुष्टीकरण की सरकार, कभी कहा जाता था भ्रष्टाचार की सरकार, कभी कहा जाता था कि रीति रिवाज संस्कृति तहजीब को तहस नहस करने वाली सरकार, और सबसे अधिक शर्मनाक बात कि यह भी कहा जाता था कि बहू बेटियों की इज्जत की खिल्ली उड़ाने वाली सरकार। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एक बार जब एक दुष्कर्म हुआ एक महिला के साथ, तो इन्हीं के पार्टी के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं ने ये टिप्पणी की थी कि लड़के हैं लड़कियों से गलती हो जाती है। फिरोजाबाद में 5 विधानसभाओं में कुल 18,53,496 मतदाता 53 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करके उनके भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने 1,296 मतदान केंद्र बनाकर 2,195 बूथ बनाकर मतदान करने की सरल प्रक्रिया अपनाई है। इसी कड़ी में पुलिस लाइन में सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि जनपद में EVM 1,330 और VP PAT 746 को रिजर्व रखा गया है ताकि कोई भी परेशानी से तुरंत निपटा जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए 45 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 5 सर्विलांस टीम और 45 स्टैटिक सर्विलांस टीम क्षेत्र में लगातार भ्रमण करती रहेंगी। अभी ट्रेनिंग के समय हमने बहुत विस्तार से उनको सभी चीजें समझाई थी। उसके अलावा हमने ये सुनिश्चित किया है कि सारे लूज फॉर्म में ना रहें, उनकी बुकलेट बनवाई गई सारे फॉर्म्स की, जिस जिस प्रकार से उनको समय के अंतराल में जिस जिस तरह से भरने पड़ेंगे उसी सीक्वेंस में सारे फॉर्म्स को अरेंज करके एक बुकलेट बनवाई गई और उनको दिया गया है। उनको भरने के लिए ट्रेनिंग के अलावा हम लोगों ने कुछ यूट्यूब पे वीडियोज भी अपलोड किए हैं, जिससे कि अगर भरते समय उन्हें कोई दिक्कत आती है, कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है।
फतेहपुर के बिंदकी में भागीदारी मोर्चा जन अधिकार पार्टी और AIMIM के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में आज असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि यह लोग संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं और हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं मंच पर पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने पहले संबोधन किया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा को निशाने पर लेते हुए इन्हें दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक उनके हड़प करने वाला बताते हुए अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। गिरिराज नगरी मथुरा में उपजिला अधिकारी संदीप वर्मा की तरफ से डीग अड्डा से बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें गोवर्धन में लगने वाले जाम से आने वाले श्रद्धालुओं का आम नागरिकों को राहत मिलेगा। उपजिलाधिकारी ने बताया कि गोवर्धन भगवान कृष्ण की नगरी है और यहाँ बाहर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और यहाँ के दुकानदारों को अवैध अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही साथ अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर चालान की कार्रवाई करने की बात कही। उपजिलाधिकारी ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि इलाके में अतिक्रमण न करें। के सामने जो निर्माण है कि अभी नहीं था, केवल परकमा वालों के लिए चौतरी बनी हुई है बैठने के लिए, प्रशासन का बैठने के लिए गोवर्धन व्यवस्था भी नहीं होगी और यूनान के मकानों को फोड़ा नहीं जा रहा, यूनान की चौथियाँ बोली जा रही, गरीबन की चौथी बोली जा रही है। किसका छोड़ दिया, किसका तोड़ दिया? दो तीन पहले उनके तोड़ दिए और उनके फोड़ दिए। यहाँ पे जो है जो रोड के दोनों तरफ बहुत सारे अतिक्रमण हो गए थे, इसके कारण चारों तरफ बहुत ज़्यादा जाम लगता था, इसलिए अभियान चलाया गया है और ये प्रॉपर वे में हमेशा चलाया जाता रहेगा। हर जो है सर देखा जाता है कुछ समय बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। कंटिन्यू काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, अतिक्रमण हटवाया जाएगा कि जो है सारा जो है भगवान श्री कृष्ण का स्थान है तो हम इसको जो है सही रखेंगे। तो सर क्या कार्रवाई होगी अगर इस तरीके की कोई अगर अतिक्रमण करता है तो? उनको हटवाया जाएगा, उनको हम जो है पेनल्टी लगाएंगे उनके ऊपर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सबसे बड़े लोन माफिया लक्ष्य तंवर की करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया। लक्ष्य तंवर पर कई बैंकों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए का चूना लगाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित किए जाने का आरोप है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए SDM ने बताया कि लोन माफिया लक्ष्य तंवर पुत्र अशोक कुमार का एक इस तरह का गैंग है, जिसने 2012 से अभी तक विभिन्न बैंकों की शाखा प्रबंधकों से साठगांठ कर आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर अवैध तरीके से दस्तावेज तैयार किए और विभिन्न बैंकों से लोन लिया। ये कार्रवाई ये बता दिया गया है ना, लोन माफिया लक्ष्य तंवर पुत्र अशोक कुमार का। अपर जिलाधिकारी नगर गाजियाबाद के वार्ड संख्या 164/2022 के तहत ये कार्रवाई के आदेश के अनुपालन में। कितनी की कीमत की संपत्ति है ये लगभग? ये करीब 2 करोड़ कीमत। और आगे भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई जारी रहेगी जब तक इसका निस्तारण नहीं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मैनपुरी के धनहर इलाके में बालू से लदा बेकाबू ट्रक एक कार के ऊपर पलट गया, जिसमें कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई। इस हमले में ट्रक के चालक और क्लीनर को भी गंभीर चोटें आईं। वहीं पुलिस ने पति पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी। आगे बारे ऐसा है, मेरा बच्चा करण कुमार, उसकी पत्नी कमलेश कुमारी अपने ससुराल लाखनऊ जा रहे थे और हमने यहाँ से करैल चौराहे से बैठा दिया था। उसकी निजी गाड़ी थी हमारी सेंट्रो, उसमें बैठ के जा रहे थे और मैं वहाँ से चला गया दीवानी। के बाद मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। वो एक्सीडेंट में मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बच्चे और बहू दोनों ही ख़त्म हो गए। ज़्यादा डिटेल में तो थाने से ही पता चल पाएगा कि इसके संबंध में। कितने महीने पहले शादी हुई थी? शादी हुई थी 2 महीने 28 नवंबर 2021। खबर बांदा से है, जहां बारात से लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 10 युवक घायल हुए और मौके पर 2 युवकों की मौत हो गई। बता दें मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां देखते ही देखते डॉक्टर ने घायलों को मृत घोषित कर दिया।
कालिंजर क्षेत्र में आज एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, उसमें बारात से लौटे कुछ लोग थे, 12 लोग थे उसमें। वो तेज गति से चला रहा था और अचानक उसने ड्राइवर ने ब्रेक लगाया जिसकी वजह से एक तरफ वो ट्रॉली पलट गई। उसमें 12 लोग घायल हुए जिसमें 2 लोगों की दौरान इलाज मृत्यु हो गई, बाकी 10 लोगों का इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति सामान्य है। हम लोग द्वारा घटनास्थल का विजिट कर लिया गया और अस्पताल में मरीजों का हाल जाना गया, तो बाकी जो शेष 10 लोग हैं वो ठीक है, उनमें से कोई भी क्रिटिकल हालत में नहीं है। खबर श्रावस्ती से है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता महिला की मौत हो गई। बता दें विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रथा का आरोप लगाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दहेज प्रथा तो उनका दहेज कति हमारे बेटे तो मौत की गला दबाए और तो मांगत रहे 2 लाख रुपया और गाड़ी मांगत रहे, तो हम राण तीन आदमी हम नहीं दे पाए, ये कारण से हमारे बेटे मौत की 10 महीना होगा। कहाँ पे किए थे शादी? धर्मा कॉलोनी हाँ। अच्छा पुलिस वाले क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मुकदमा लिख रहे हैं। ये दहेज के कारण मौत हुई, हम सहियापुर के रहने वाले, शादी किए थे भठौरा, ये बहुत दिन से उसको मारते पीटते थे। हम लोग 30 मार्च को शादी किए थे और ये आज 2 महीने से कम से मारते थे, तो तंग करते थे, गाड़ी भी मांगते थे और 2 लाख रुपए नगद भी मांगते थे। हम इस दहेज ना देने कारण ये लोग उसको कल मार के लिटा दिए गला दबा के। पुलिस वो मुकदमा लिख लिया है और बॉडी फिल करा के यहाँ जिला अस्पताल में भेज दिया है। मथुरा के गोवर्धन थाने के पास मुखराई गांव में खेत में लगे इंजन के बंद करने को लेकर 2 पक्षों में जमकर कहासुनी हुई। बढ़ते विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट के दौरान महिला को गंभीर चोटें लगी। दबंगों ने महिला को लाठी डंडे से पीटा जिसके चलते महिला के सर में गंभीर चोट आई, जिसकी शिकायत महिला के परिजनों ने थाना गोवर्धन में कराई। साथ ही घायल को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक केंद्र गोवर्धन भेजा गया जहां से चिकित्सा अधिकारी ने महिला को मथुरा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। नाम है आपका? कहां के निवासी हैं? किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ है? इंजन बंद कर दिया, आलू भर दिए। इनके आलू भर दिए। तो कौन लोग हैं वो? क्या नाम है उनका? संजय और देवंदर जी और राकेश जी मोहन के लड़का। तो कितने लोगों के चोट आई है? अकेली 3 लोगों ने मारा है। इस बात के लिए झगड़ा हुआ है कि इन्होंने अपने खेत की तरफ गई थी और जो दूसरी पार्टी है वो अपना पानी लगा रहा था गेहूं में या किसी में भी, और तो इनको जो खेत थे उसमें आलू हैं और पक गए, उसमें पानी फूट गया था या उन्होंने छोड़ा था, अब वो भर गए। इन्होंने बोला कि हमारे आलू भर दिए, इन्होंने इंजन बंद किया है, उससे बोला तो बंद नहीं कर रहा था। अब इस बात पे फावड़े से हमला कर दिया इन पे संजय ने, और 2 उसके भतीजे हैं, एक देवेंद्र है और दूसरा है राकेश, और भारी चोटें आई हैं उनके और बहुत निर्मम। गाजियाबाद के ग्राम हरसाव के मरघट जमीन के ऊपर शास्त्री नगर ब्लॉक के वेलफेयर एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष इनके शर्मा ने अनैतिक रूप से अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए मकान का दरवाजा और खिड़कियां खोली है, वहीं इसी का विरोध करते हुए गांव हरसाव के लोग मरघट की जमीन पर आकर इकट्ठा हुए तथा एक सुर में शास्त्री नगर ई ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष इनके शर्मा के विरोध में गाँव वालों ने कानूनी कार्रवाई की मांग की। बिजनौर के हल्दौर थाना के गांव गंगोड़ा जट में कुछ शिकारियों ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए खेतों में जाल लगा रखे थे। गन्ने के खेत में जंगली जानवर का पीछा करते हुए एक गुलदार शिकारियों के जाल में फंस गया। शिकारियों ने गुलदार को ही अपना शिकार बना डाला। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने सूचना मिलने पर गाँव में पहुंचकर बुरी तरह घायल गुलदार को पिंजरे में बंद कर लिया। दूसरी तरफ DFO अनिल पटेल ने हल्दौर थाने में जिस खेत में जाल लगाकर शिकार किया जा रहा था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसमें एक हल्दौर के पास में गंगोड़ा जट एक गांव है, वहां पे हमारे हमको सूचना मिली थी
SO हल्द्वार के द्वारा कि एक जाल में लेपर्ड फंसा हुआ है, तो उसको बचाने के लिए टीम यहाँ से गई, लेकिन जब तक टीम उसको रेस्क्यू करती 10 मिनट के दौरान ये जो है उसका डेथ हो गया। तो क्योंकि वहाँ पे जाल लगा था, इसलिए जो जाल लोग लगाए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। एक वीडियो भी इसमें वायरल हुआ है, उस वीडियो में पता चला है कुछ लोग उसका पैर बांध रहे थे और मुंह में भी उसके कुछ डंडे डाल रहे थे, तो उनको पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शहर में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया से मिले जिला पंचायत माल के आवंटीगढ़ों ने पजेशन को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अतुल तेवतिया के आवास पर जिला पंचायत माल के आवंटीगढ़ों ने भेंट कर जल्द पजेशन को लेकर ज्ञापन सौंपा और निवेदन किया कि जब जिला पंचायत मॉल का निर्माण कार्य शुरू हुआ तब 2 साल के अंदर पजेशन देने की बात कही गई थी, परंतु आज 6-7 साल बीत जाने के बाद और कई जिला पंचायत अध्यक्ष बदल जाने के बाद भी पजेशन नहीं दिया गया, जिस कारण मॉल में फ्लैट और दुकान खरीदने वालों की भारी क्षति हो रही है। देखिए शीघ्र अतिशीघ्र मैं आपको कोई ये नहीं डेट नहीं निर्धारित कर सकती, लेकिन उन्होंने जब भी वो मुझसे मिले हैं मैं कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ के उनकी मदद की है और एक स्टेप आगे बढ़ के ही उनको आश्वासन दिया है। पहले वो मुझे चाहे लाइट की समस्याओं से मिले हों तो हमने अपने विभाग से जो भी हम मदद कर सकते थे या अपने विभाग की जो भी जिम्मेदारियाँ थीं हमने वो बखूबी निभाते हुए वो सभी चीज़ पूरी करी जो हमारे विभागीय स्तर से या एक पर्सनल स्तर से हो सकती थी। आज भी जब ये लोग आए हैं तो मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी अलॉटमेंट मिल सके हम मॉल में वो अलॉटमेंट देंगे। यूपी के संभल के थाना धनारी क्षेत्र में गांव नारायणपुर जनपद बुलंदशहर बारात आनी थी, उसे डर था कि स्वर्ण समाज के लोग कहीं विरोध कर दे। वहीं विरोध की आशंका को देखते हुए मुनेश ने संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र को प्रार्थना पत्र देकर पुलिस प्रशासन की मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस की निगरानी में गाजे बाजे के साथ बिना विरोध बारात निकाली गई। शादी किसकी आपके घर में? मेरी बहन की शादी है। के पुलिस प्रशासन का क्या मामला? पुलिस प्रशासन साहब इसलिए मंगाया था कि गांव ये दंगाबाज है, कुछ बबलिंग करता है। पहली जो बारात चढ़ी थी वो भी पुलिस प्रशासन था, उसमें पुलिस प्रशासन ने हमारी सहायता करी थी और मैंने भी रिक्वेस्ट एक पुलिस प्रशासन से ही मांगा है। मेरी बहन की भी बारात उसी प्रकार निकलनी चाहिए साहब। गाँव थोड़ा बबलिंग करता है, अब तो नहीं है, सुधर गया है साहब। अच्छा, पुलिस प्रशासन का कितनी सहायता रही आप? हाँ जी, काफ़ी सहायता की है उसने पुलिस प्रशासन ने। अहमदाबाद बम धमाकों के तार बिजनौर में जुड़े होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बिजनौर के नजीबाबाद निवासी एक युवक तनवीर का हैदराबाद बम ब्लास्ट में नाम आने के बाद से पुलिस ने तनवीर के घर डेरा डाला हुआ है। दरअसल हैदर असल अहमदाबाद बम धमाकों के तार बिजनौर से जुड़े होने की बात सामने आई। आपको बता दें कि अदालत में सीरियल ब्लास्ट में 38 लोगों को फांसी सुनाई गई है, उसमें एक बिजनौर का भी रहने वाला गुजरात के अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 में बम धमाकों में 49 दोषियों में 38 को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने पिछले सप्ताह सीरियल ब्लास्ट में आरोपियों को 8 फरवरी को दोषी करार दिया। फांसी की सजा पाने वाले आरोपियों में से 2 आरोपी के तार मेरठ और बिजनौर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।